मंगल दोष से डरे नहीं। क्या आप जानते हैं कि मंगल दोष के जातक होते हैं पराक्रमी और सफल? पहले पहचानें लक्षण और फिर ज्योतिष से मिलकर करें आसान उपाय। कुंडली में मंगल दोष होने से विवाह में देरी होती है या दाम्पत्य जीवन में परेशानी आती है, इसलिए विवाह से पहले वर वधु के कुंडली का मिलान करना जरूरी होता है। मांगलिक दोष के जातक बहुत पराक्रमी, कर्मठ और प्रशासनिक पदों पर सफलता प्राप्त करते हैं, तो अगर आप मांगलिक हैं, तो घबराने की बजाय इन उपायों को अपनाएं। तो आइए जानते हैं ज्योतिषी से। हर हर महादेव, प्रश्न आपने किया, बहुत दिनों से मैं भी सोच रहा था इस मंगला मंगली दोष पर कुछ कहूँ जनता को, अपने जो हमारे कलिंग हैं, जो हमारे ज्योतिष विद्या से संबंधित जुड़े हुए हैं, उन्हें यह बातें उन तक मैं पहुँचाऊँ। यह प्रश्न, जब बच्चे का जन्म होता है उसी टाइम में जो लोग हमसे कुंडली बनाने आते हैं या किसी पंडित जी के पास कुंडली बनाने जाते हैं, वह बहुत कौतूहल से पूछते हैं कि पंडित जी कहीं मेरा बच्चा मंगला तो नहीं है। उनके मन में एक डर सा रहता है कि कहीं मेरा बेटी मंगली तो नहीं है, कहीं मेरा बेटा मंगला तो नहीं है। ये मन में जो डर बैठा हुआ है मंगला मंगली का, मैं इस डर को निकालना चाहता हूँ। बच्चे के जन्मोपरांत अगर कुंडली में मंगल दोष निकलता है तो इससे डरने की कोई बात नहीं। अब है कि मंगल दोष होता कब? शास्त्र कहता है जब कुंडली के प्रथम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव तथा द्वादश भाव में मंगल हो तो मंगला दोष लगता है। अब है क्या ये मंगला दोष केवल हानि देने के लिए ही उन लोगों की कुंडली में आता है कि लाभ देने के लिए? मंगला दोष का अर्थ है कि अगर आपके बच्चे को अगर है तो समझिए कि विधाता आपके बच्चे को एक ऐसा एंटीबायोटिक दे चुका है उसके शरीर में, जो कि उसे कर्मठ, तेजस्वी, जिद्दी और महापराक्रमी बनाएगा। क्या यह जो तथ्य है यह खराब है कि अच्छा है? ये सभी तथ्य अच्छा है। लोगों को ऊंचाई पर जाने के लिए ये सभी तथ्य उनके शरीर में विद्यमान रहना जरूरी है। जिसके अंदर पौरुष न हो, जिस महिला के अंदर कर्मठता न हो, कुछ करने का जुझारूपन न हो, तो वह अपने जीवन में क्या करेगा? तो ये मंगला मंगली दोष जो है यह अच्छा है, बुरा नहीं है। हाँ, इसकी प्रधानता मुख्य रूप से विवाह के समय में देखी जाती है। काहे, जो एक्टिव है, जो तेजस्वी है, उसका विवाह अगर हम बोतला से कर देंगे या बोतली से कर देंगे तो दोनों में सामंजस्य नहीं बैठेगा। लोहा को तो लोहा ही काट सकता है। जो तेज है, तरार आदमी है, जो एक्टिव है, तो उसको वैसे ही व्यक्ति से, वैसे ही लड़की से उसके साथ विवाह किया जाए जो कि उसका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहे, एक दूसरे को समझे। अगर एक जिद्दी है तो दूसरा को भी जिद्दी भी हो जाएगा और अति सुंदर। मगर इसके साथ साथ है क्या, ये जो मन में डर बैठा हुआ है मंगला मंगली दोष का, यह बहुत ही लोगों को डरा रही है। मैं कहता हूँ आप मेरे पास आइए अपनी कुंडली लेकर के, मंगल से डरने की जरूरत नहीं है, इसका बहुत सारा परिहार है। मंगल प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, द्वादश भाव में यह लाभप्रद रहता है, परंतु सप्तम और अष्टम का मंगल अगर हो तो ये ज़्यादा प्रभावशाली होता है। जहाँ तक कुंडली में केवल प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव के मंगल को देख करके मंगला कह देते हैं, ऐसा नहीं है। मंगला दोष निरस्त का लगभग 1000 फार्मूला है, जो फार्मूला आपकी जन्म कुंडली में 2, 4, 5 मिल ही जाएगा तो मंगला दोष निरस्त भी रहता है। नहीं, मंगला दोष देखने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज और ध्यान में रखनी होगी। शास्त्र यह भी कहता है कि अगर पाप ग्रह 1, 4, 7, 8, 12 भाव में अगर मौजूद हो तो वह भी मंगला दोष के तरह ही ट्रीट करता है। तो पाप ग्रह है क्या? पाप ग्रह है राहु, केतु, सूर्य, ये सभी पाप ग्रह है, शनि पाप ग्रह है।
तो मंगल अगर प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में है, अगर लड़का या लड़की की कुंडली में पाप ग्रह उसी भाव में अगर मौजूद है तो उसे मंगला दोष नहीं लगेगा, क्योंकि वह एक ही समान ट्रीट करता है। शास्त्र यह भी कहता है शनिवत राहु, राहु शनि जब एक समान है उसी प्रकार पाप ग्रह अगर प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव में रहने से वह भी मंगला के समान ही ट्रीट करता है तो मंगला दोष तो निरस्त हो गया। इसके साथ सबसे एक दो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। कहता है मंगल अगर स्व राशि पर हो, स्व राशि मतलब अपने घर में हो, एक अंक और आठ अंक उसका अपना घर है। मंगल अगर गुरु के साथ हो, गुरु अगर केंद्र में बैठे हो, इसके साथ साथ चंद्रमा भी केंद्र में हो तो उसे मंगला दोष नहीं लगता है। मंगल के साथ अगर राहु विराजमान हो तो मंगला दोष नहीं लगता है। मंगल पर अगर गुरु की दृष्टि पड़ती हो तो मंगला दोष नहीं लगता है। ऐसे ऐसे हजारों फार्मूला हैं जो कि मंगला दोष को निरस्त करता है। तो मंगला दोष डरने और डराने की चीज नहीं है, यह लोगों में यह कहने की बात है कि आपका बेटा अगर मंगला है तो आप उसे प्रशासनिक पदाधिकारी की तरफ धकेलिए, पुलिस सेवा में धकेलिए, मेडिकल सेवा में धकेलिए, सैन्य सेवा में धकेलिए, वह तुरंत उस क्षेत्र को पालेगा क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा है। जो ऊर्जावान रहेगा वही सेना में जाएगा, वही सर्जन बनेगा, वही डॉक्टर बनेगा। हाँ, इस चीज को एक और ध्यान में रखने की बात और है, जो बच्चे तेज तर्रार होते हैं वह निगेटिव डायरेक्शन में भी जाने का उनका बहुत हद तक रहता है। तो आप उसे किस तरह से परवरिश करते हैं, किस तरह से उस बच्चे का क्या कहते हैं पढ़ाई लिखाई करते हैं, कैसा एनवायरनमेंट देते हैं, यह गार्जियन पर डिपेंड है। अगर आप उसके तेजपन को, उसके जिद्दीपन को निगेटिव डायरेक्शन में ले जाइएगा, रे बेटा मार, तू फलमा आयल छो, तो मार तो मार, बच्चे तो गलत डायरेक्शन पकड़ लिए, आपने उसे गलत डायरेक्शन में लेके चले गए। अगर आप उसे बचाने के लिए सिखलाइएगा, देखो बेटा कौन किसको मार रहा है उसको बचाओ, तो बच्चा बचाने के लिए तो तत्पर हो जाएगा। तो आप उसे मारने संभाल दिखाते हैं कि संभालने दिखाते हैं, ये आप पर निर्भर है। तो मंगला मंगली दोष अच्छा है जातक, मंगला मंगली दोष यह बहुत ही अच्छा गुण है, ये किसी भी जातक की कुंडली में हो तो यह खराब नहीं है, बहुत अच्छा है, तत्पर। आज मैं मंगला मंगली के बारे में कह रहा हूं कि अगर आपके बच्ची का जन्म मांगलिक दोष में अगर हुआ है तो आप कुंडली लेकर के मेरे पास आइए, मैं विश्लेषण करूंगा कि कहां तक वो मांगलिक दोष दोषपूर्ण है और कहां तक वो लाभप्रद है। अगर दोष उसमें लिखा गया है मांगलिक दोष, तो दोषपूर्ण वो अवश्य है, पर कब, हर हमेशा तो नहीं। मांगलिक दोष को देखने के लिए मंगल की डिग्री देखी जाती है, मंगल किस भाव में बैठे हुए हैं वो देखी जाती है, मंगल किस भाव में किस अंक पर बैठे हुए हैं वो देखी जाती है, मंगल का किसके किसके साथ युति है वो देखी जाती है, मंगल का क्या दृष्टि कहाँ कहाँ पर रही है। मंगल का तीन दृष्टि है, चार, सात और आठ, ये तीन भाव को मंगल देखते हैं। तो किस किस भाव को वो देख रहे हैं, मंगल अगर अपने राशि को देख रहा है तो शास्त्र कहता है कि अपने घर को कोई नहीं उजाड़ता है, तो क्या मंगल वो हानिकारक होंगे कि लाभप्रद होंगे। मंगल अगर अपने दुश्मन के घर को देख रहा है तो दुश्मन को तो हर कोई उजाड़ना चाहता है, दुश्मन से तो हर कोई दूर रहना चाहता है, वहां पर मंगल की दृष्टि देखी जाएगी कि नहीं, ये मंगल किसको परेशान करेगा। तो ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं मांगलिक दोष के विचारों पर, जो कि वर्णन अगर किया जाए तो घंटे दो घंटे क्या कई महीने लग जाएंगे, फिर भी इस पर जो तथ्य समाप्त नहीं हो सकती। तो मंगला मंगली दोष जानने के लिए लोगों को कुंडली मिलान करवाना पड़ता, कुंडली मिलान करना पड़ता है, वो भी कब, तो वैवाहिक जीवन जब प्रारंभ होने लगे उस टाइम में आप पंडित जी से, योग्य पंडित जी से कुंडली मिलाकर देख ले कि पंडित जी यह मांगलिक दोष कहाँ तक हमारे बच्चे के ऊपर प्रभाव डालेगा कि क्या करेगा। यह मांगला मंगली दोष जो लड़का पक्ष या लड़की पक्ष है दोनों को मिला करके देखा जाता है, केवल एक पक्ष को देख करके आप उसके भविष्य का वर्णन नहीं कर सकते। अच्छा, इसके क्या कुछ कुप्रभाव होते हैं अगर किसी, जी कुप्रभाव तो होते हैं, अगर बच्चा हमारा बदमाश निकल जाए तो उसका कुप्रभाव है कि वो समाज को जीने नहीं देगा, समाज में अशोभनीय काम करेगा,
उसी प्रकार यह भी है, अगर मांगलिक दोष का परिहार नहीं है कुंडली में तो दाम्पत्य जीवन में तनाव आएगी, दाम्पत्य जीवन में खटास रहेगा, जाति का मन मौजी रहेगी, अपने अनुसार वह उस परिवार को चलाना चाहेगी, अपने अनुसार उस कार्य को करना चाहेगी जो उसके लिए अशोभनीय है। ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जो कि मंगला मंगली दोष को शांति करवा करके उसके प्रभाव को कम किया जाता है। लोकल 18 के लिए पूर्णिया से विक्रम कुमार झा की रिपोर्ट। इस वीडियो में दी गई जानकारी ज्योतिषाचार्य अनुसार है, लोकल 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है।